नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। आपको बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगा है और दुनिया भर में इसे अलग अलग तरीके से देखा गया, अलग अलग तस्वीरें बाहर आई हैं। अब से कुछ ही देर बाद ग्रहण का समापन भी हो जाएगा। 6:19 और 20 मिनट के आसपास चंद्र ग्रहण का समापन होगा। राजधानी दिल्ली में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई दिया है। अद्भुत नजारा अलग अलग इलाकों से सामने आई तस्वीरों में देखा है। ईटानगर में पूर्ण ग्रहण के साथ चंद्रोदय हुआ और राजधानी दिल्ली में हालांकि आंशिक तौर पर ही नजर आया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो चंद्र ग्रहण लगा है उसका साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। मैं स्वागत करना चाहूंगा अंजू बुद्धिराजा जी का, ज्योतिषाचार्य हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अंजू जी, जिस तरह से चंद्र ग्रहण लगा है आज, इसका असर साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसकी तस्वीरें काफी अद्भुत हैं। लेकिन सवाल यह है कि ग्रहण को लेकर लोगों के मन मस्तिष्क में सवाल कई होते हैं। ग्रहण का नाम आते ही लोगों को सबसे पहले डर लगने लगता है। पहला सवाल यही होता है कि इसमें क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किन चीजों से बचा जाए। ये जो ग्रहण है ये 15 दिन के अंदर में 2 बार आ गया है, सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी। इसके लिए कुछ तो खगोलीय जो हमारे खगास ग्रहण हुआ है तो कुछ उथल पुथल तो होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डरा जाए और लोगों को भ्रांतियां दी जाए, ऐसा नहीं है। इसका क्या किया जाता है कि जब तक पूजा पाठ मेन है कि हमें ये करना चाहिए जिससे घबराना नहीं चाहिए, और जिन राशियों पे इसका इफेक्ट है उसके लिए वो चीजों का दान या उन मंत्रों का पाठ किया जाए तो ये जो ग्रहण का बैड इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब अंजू जी, जिस तरह से आपने कहा कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, कुछ चीजें होती हैं जिनको कुछ मंत्र होते हैं जिनके जाप के जरिए जो इसका बैड इफेक्ट है उसको, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, राशियों पर किस तरह से इसका असर पड़ सकता है और किन राशियों पर असर? देखिए, ये जो ग्रहण लग रहा है ये मेष राशि पर लग रहा है और धरनी नक्षत्र पर लग रहा है, यानी मंगल जो है अग्नि तत्व की राशि है और धरनी नक्षत्र शुक्र, यानी कि एक तरफ से जैसे कह रहा घमासान भी होने वाला है कुछ ना कुछ, और शुक्र का होने से भी स्त्रियों को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप गर्भवती महिला इस समय अगर एक नारियल को अपने पास रख के उसमें मौली बांध कर रखती है तो जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो उसमें हो जाता है, और वो पूजा पाठ करती है तो इससे इसका कोई खास असर उन पर नहीं पड़ेगा। दूसरा की ज्यादातर मेष राशि, वृष राशि और तुला राशि पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। मिथुन राशि कुछ लाभदायक रहेगी, मीन राशि वालों के व्यापार के लिए और प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन पर उन पर दिक्कतें आ सकती है। अंजू जी, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको करने से इसके जो बैड इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है, मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताएं कौन से ऐसे मंत्र हैं, कौन से ऐसे जाप हैं जिनके जरिए जो लोग हैं वो इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि चंद्र ग्रहण का मतलब है, मतलब कहते हैं ना कि शिव जी ने चंद्रमा अपने सिर पे धारण कर लिया था, तो शिव जी ही के हर हर कहते हैं ना, हर हर को मतलब हर समस्या को हरने वाले हैं। तो हमें ओम नमः शिवाय, ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम सोमाय नमः, इन मंत्रों का बार बार उच्चारण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, और इसके साथ ही हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए, या शिव तांडव स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। गुर्जर को सरल भाषा में अगर कुछ ज्यादा नहीं आता है तो वो ओम नमः शिवाय का पाठ भी करे तो इससे भी काफी लाभ मिलेगा। अंजू जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से आपने भी अभी कहा कि 15 दिनों के भीतर ही दूसरा ग्रहण है जो लगा हुआ है, जो इनके असर होते हैं, जो इनके प्रभाव होते हैं वो कब तक दिखाई देते हैं, किस तरह से दिखाई देते हैं, अगर आप बताएं इसको किस तरह से
पूर्व में हुई चीजों को लेकर अगर आप उदाहरण के साथ बता पाए तो। कैसे देखिए कि ये मैंने बोला कि इनका 15 दिन के अंतराल होने से क्या, चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है और हमारा मन ही सब चीज के लिए जब तक एक विजन नहीं देता हम कुछ करते नहीं। जैसे अगर आपका मीठा खाने को मन है तो आपका मन पहले। बात हो रही है चंद्र ग्रहण को लेकर, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं ज्योतिष आचार्य अंजू जी। अंजू जी अपने बात को पूरा कीजिए, आप बता रही थी कि किस तरह से इसका जो असर है वो किस तरह दिखाई देता है और कब तक दिखाई देता है। देखिए इसका असर जो है आने वाले 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक इसका असर दिखाई देता है। अंजू जी सवाल ये भी था कि आप अगर आप उदाहरण के साथ कुछ बताएं कि पूर्व में कुछ घटना इस तरह की घटी हो जिससे जैसे कि आप देखिए कि जो चंद्रमा है वो जल तत्व राशि का होता है और पूर्णिमा में जो ग्रहण ये होता है, पूर्णिमा में तो वैसे ही ज्वार भाटा का वो रहता है आता है, तो इस समय क्या होता है कि मन में ना डिप्रेशन आता, चिंता आती, निराशावादी होती है और मंगल मेष राशि के होने से क्या होता है ना थोड़ा अग्नि तत्व बढ़ जाता है, तो उससे गुस्सा आना, यानी कि किसी के साथ बनना नहीं या आप जो डील करने जा रहे हैं वो कैंसिल हो जाना, बोलना कुछ और हो जाता है, जैसे आप कुछ मन के कारण आप किसी ने थोड़ी सी बात कुछ बोल दिए तो वो आपके मन को लग जाती, तेज लगता है, निराशावादी हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, नींद नहीं आना, मतलब इस तरह की छोटी छोटी जो घटनाएं होती है वो हमारे जीवन पर बहुत असर देती है और उसके लिए भी हमारे जो हम आगे के काम करते हैं वो हमारे खराब हो जाते हैं, बनते नहीं है बल्कि बिगड़ जाते हैं। जैसे अंजू जी जैसे समय बताया गया है कि करीबन 6:19-20 के आसपास पर इस चंद्र ग्रहण का समापन हो जाएगा, ठीक है, चंद्र ग्रहण से पहले सूतक लग जाता है, लेकिन ग्रहण के समापन के बाद किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए? देखिए ग्रहण के बाद ये होना चाहिए, अगर आपने किसी ने भी अपने घर में खाना वाना बना के रखा हुआ है तो उसको पहले से ही सूतक काल के टाइम पे भुट्टा या तुलसी पत्ता डाल के रख देना चाहिए और उसके बाद ग्रहण के बाद भी सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें स्नान करना चाहिए, स्नान करने के बाद ही हमें अपने मंदिर के पट खोलने चाहिए जो भी आपके घर ऑफिस या जहाँ पर भी है, ताकि आपके घर में शुद्धि हो जाए और आपके जो चारों तरफ आपके घर से आप गंगा जल का छिड़काव करिए और जो तुलसी पत्ता आपने चारों तरफ रखा होगा उसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा से जो नेगेटिव एनर्जी अभी ग्रहण के दौरान हुई है तो वो आपके और आपके परिवार में नेगेटिव इफेक्ट ना दे, इसके लिए आपको वो गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और इसके साथ ही आपको दान करना चाहिए, जैसे प्रत्येक चीजों का आप इसमें चंद्र ग्रहण है तो जैसे कि रूही हो गई, कपूर हो गया, चांदी हो गया, चांदी का छोटा टुकड़ा भी होते तो चलेगा और चावल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया और इस तरह की छोटी छोटी चीजें व्हाइट कलर के अगर दान देते हैं गरीबों को भी दे सकते हैं या मंदिर में भी, देखिए ग्रहण के दौरान किसी गरीब को नहीं दिया जाता क्योंकि आप अपनी बला किसी और को नहीं देनी चाहिए, ग्रहण के बाद अगर आप उनको देते हैं तो ये जो है आपने दान किया तो किया देखा जाएगा दान का पुण्य आपको जरूर मिलता है और इससे नेगेटिव एनर्जी आपको और आपके परिवार को मिलेगा। अंजू जी एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी था कि जब ग्रहण लगते हैं तो इन मौकों पर घाटों पर नदियों में तालाबों में स्नान की बहुत ज्यादा मान्यता है और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, ऐसा माना जाता है, पौराणिक इतिहास जो हमारा बताता है उसमें चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं, लेकिन मौजूदा वक्त की बात करें आप लगातार लोगों से मिलते होंगे, जो युवा हैं खासतौर पर उनसे मिलते होंगे, वो किस तरह से इन चीजों को देखते हैं, इन घटनाओं को देखते हैं जिनके ना सिर्फ इतिहास को लेकर भी चीजें बहुत सारी हैं और भविष्य को लेकर भी बहुत कुछ बताया जाता है इनके जरिए? देखिए इसमें जो है ना कक्षा के जो एक आज पूर्णिमा का जन्म है, पूर्णिमा से गुरु नानक जी का जन्म उत्सव हुआ था और इसमें कथा है कि शिवजी ने आज त्रिपुरा को नामक राक्षस का वध किया, राक्षसों को हमें बचाया था और इसकी वजह से आज जो है देश और इसकी बोली जाती है, तो इसके लिए क्या कहते हैं देवताओं जो है वो धरती पर उतर कर इसका मतलब नदियों में स्नान करके दिए जलाते हैं और जो हमारे अधिकार यानी जिस राक्षसों बिना बुराइयों से हमें छुटकारा मिला इसलिए दीप जलाए जाते हैं और पूजा का इसलिए निषेध होता है कि जो हमारी मूर्तियां या हमारे भगवान हम मंदिरों में या घरों में रखते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा हो तो क्या होता है कि वो प्राण प्रतिष्ठित होते उनपे नेगेटिव इफेक्ट्स ना हो इसलिए हमें इसमें पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन ग्रहण के बाद जब पट खोल दिए जाते हैं और ये आज पूर्णिमा है, गुरु कार्तिक पूर्णिमा है
तो कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के बाद आप जैसे चंद्र खत्म हो जाएगा कुछ ही मिनटों में, उसके बाद हमें चाहिए कि हम सब मिलकर खूब सारे दिए जलाएं ताकि देव दिवाली जिसको बोला जाता है तो, और गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा कि उनके पद चिन्हों पर इंसान को चल के अच्छाई करनी चाहिए, तो इससे अपने घर पे पूरा चारों तरफ हमें उजाला करना चाहिए। यानी अंजू जी, जिस तरह से भी हाल ही में सूर्य ग्रहण भी गुजरा था और अब चंद्र ग्रहण है, अगर देखा जाए तो इसका जो प्रभाव है उस प्रकार नहीं जिस तरह से सूर्य ग्रहण का माना जाता है, क्योंकि इससे हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर कहा जाता है कि सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, उससे बचना चाहिए, यानी कंपेटिबली इसका प्रभाव उतना नहीं है। जी देखिए, सूर्य कोई भी ग्रहण को अपने डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका जो है जो रे ग्रहण मतलब ग्रहण, चाहे वो चंद्र हो चाहे वो सूर्य हो, ठीक है, राहु केतु के एक्सेस में आ जाते हैं, तो बैड इफेक्ट बैड एनर्जी से हमें उस आंखों पे हमें कुछ भी हमारे लाइफ में दिक्कतें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आजकल तो मीडिया और इतने सब कुछ हो गया है कि आप लाइव अपने उसमें भी देख सकते हैं, मीडिया के थ्रू भी देख सकते हैं कि हमें ग्रहण कैसे कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है कि सूर्य के जो प्रकाश से पृथ्वी से चंद्रमा इस साइड में हो जाता है, तो सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण चंद्रमा अंधेरे में आ जाता है, तो ये ग्रहण हो जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी उस बीच से दूरी करती है तो हमें सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर गिरने लगता है तो हमें चंद्रमा पूरी तरह से दिखने लगता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्र काटती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के करते हैं, तो जब पृथ्वी बीच में होती है तो पूर्ण ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए कभी भी अपनी आंखों से इस तरह से लाइव नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो रेज होती है वो और मन, चंद्रमा भी देखिए, अगर सूर्य आत्मा का कारक है तो चंद्रमा मन, तो हम जो आंखों से अगर नेगेटिव एनर्जी को देखेंगे तो हमारे मन पर नेगेटिव इफेक्ट, डिप्रेशन, टेंशन, नींद ना आना, इस तरह की परेशानियां हो सकती है, इसलिए हमें अपने डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल अंजू जी, और देखिए बात करते करते तकरीबन 6:19 का समय हो चुका है, यानी जो बताया गया था कि जो समय है इसके समापन का ग्रहण के, वो तकरीबन पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।